गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्लास फोर। आज के आपके सेफ्टी रूल्स में है व्हीकल सेफ्टी रूल्स, जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जैसे बस, साइकिल, कार, ये सब में क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए वो है। चलिए पढ़ते हैं। वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार। सो हमें क्या करना चाहिए, एक सीट बेल्ट पहनना चाहिए, जिसका एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है यहाँ पे। सीट बेल्ट पहनना चाहिए हमेशा जब भी आप कार में ट्रैवल कर रहे हो। डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक इन साइड द कार, दिस में डिस्टर्ब द पर्सन हु इज़ ड्राइविंग। जो ड्राइव करता है वो कार के हर सिस्टम के बहुत क्लोज होता है, तो अगर आप लाउड म्यूजिक बजाओगे तो वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, वो कार इधर उधर कर सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। देन कम्स द इनकरेज द ड्राइवर टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अगर आप कुछ फॉलो करोगे तो आपके संग बैठा हुआ इंसान भी फॉलो करेगा, तो मतलब आपको स्ट्रिक्टनेस दिखानी है ताकि ड्राइवर भी ट्रैफिक रूल फॉलो करे। टू नॉट पुट योर हैंड आउटसाइड द विंडो ऑफ द कार और अदर ट्रांसपोर्ट। हाथ नहीं बाहर निकालना चाहिए कार के, कोई भी ट्रांसपोर्ट हो उसके बाहर हाथ नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर बाई टॉकिंग टू हिम कंटिन्यूसली और आस्किंग हिम क्वेश्चंस। होता है बच्चे लोग की आदत होती है कुछ भी क्वेश्चन पूछने की, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। कंटिन्यूसली बात नहीं करना, क्वेश्चन नहीं करना, एक बार पूछ लिया काफ़ी है। नेवर गेट अप एंड मूव अराउंड इन द बस इफ़ द ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली यू विल फॉल। बस में मन नहीं लग रहा, उठ बहुत लंबी जर्नी है, उठ के खड़े होके घूमने लग गए, अचानक से जब ब्रेक लगेगा ना तो आप बहुत ज़ोर से गिरोगे, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। ऑलवेज लिसन टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई द बस अटेंडेंट। बस अटेंडेंट मतलब वहाँ पर जो बस एक ड्राइवर होता है और एक बस अटेंडेंट होता है, तो वो जो इंस्ट्रक्शन आपको कन्वे कर रहा है वो चीज़ सुनना चाहिए। ऑफर सीट्स टू द एल्डरली और सिक पीपल। यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है कि एक बूढ़ी सी आंटी है जिनको उस लड़की ने सीट ऑफर किया है, विच इज़ अ वेरी गुड हैबिट। ये बहुत अच्छा मैनर्स होता है, क्योंकि आप तो खड़े हो सकते हैं बहुत टाइम के लिए, लेकिन उन लोग की एज हो गई तो वो लोग नहीं खड़े हो सकते, तो इसलिए ऑफ़र करो। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ एल्डरली पीपल, कोई बीमार है अगर आपके संग ट्रैवल कर रहा है और आप सीट पे बैठे हो तो आप उसको भी ऑफ़र कर सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट है। डू नॉट पुश अदर्स वाइल एंटरिंग और लीविंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कभी किसी को पुश नहीं करना चाहिए, घुसते वक्त और निकलते वक्त दोनों ही वक्त आप लाइन में निकल सकते हो और घुस भी सकते हो। डू नॉट स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न टू एंटर। वही सेम जो मैंने पॉइंट बोला, एक क्यू बनाओ, एक लाइन बनाओ और अपने बारी का एंटर करने के लिए अपने बारी का वेट करो। रीड ऑल द सिग्नल्स केयरफुली। जितने भी सिग्नल्स या जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उसको अच्छे से पढ़ लो, और ये जो मैंने अभी बताया वो उसको भी अच्छे से आप पढ़ लें। इंटरनेट सेफ्टी। इंटरनेट सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर कोई मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लग गया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ सोशल मीडिया सच एज फेसबुक अंटिल यू आर 14 ईयर्स ऑफ एज। आपकी एज लिमिट अगर 14 से अबव है, अगर आप 14 से ऊपर हो तो ही आप सोशल मीडिया अकाउंट्स बना सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो। अनलेस एंड अंटिल यू कैन नॉट यूज़ फोन्स ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्टडीज़ ऑल्सो। सो जस्ट बी केयरफुल कि कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे आप आ रहे हो तो आपकी एज अकॉर्डिंग टू द एज लिमिट होनी चाहिए, 14 ईयर्स अबव आपकी एज होनी चाहिए कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे एड्रेस, मोबाइल नंबर, कुछ भी बैंक अकाउंट नंबर, ये सब देना इज़ गलत, बिकॉज देर आर मैनी फ्रॉड्स अराउंड और कुछ भी हो सकता है उससे रिलेटेड, तो इंटरनेट पे ये सब इंफॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना इज़ रॉन्ग। डू नॉट एक्सेप्ट ऑनलाइन रिक्वेस्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स। सो यू शुड नेवर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स। कोई भी अननोन व्यक्ति का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना गलत है। अगर आप कुछ कर रहे हो, किसी का एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इन्फॉर्म योर एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर और एनी वन हु इज़ एल्डर टू यू और एक्सपीरियंस्ड, मोर एक्सपीरियंस दैन यू।
इफ़ एनी मैसेज ऑन द इंटरनेट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल इमीजिएटली इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. कोई भी ऐसा इंसान आपको अनकम्फर्टेबल फील करा रहा है इंटरनेट पे और या कुछ भी ऐसा आपको दिख जा रहा है इंटरनेट पे जो आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, तो वो बेटर समझ पाएंगे कि इसके आगे क्या कर रहे हैं. Do not hide it from your parents. Never hide anything from your parents. If anything or anyone is making you uncomfortable, कुछ भी ऐसा feeling आ रहा है जो सही नहीं है, हमेशा inform your parents as soon as possible. Discuss and mutually decide with your parents about the time of day that you can be online and appropriate sites to visit. Always discuss with your parents what is appropriate for you. क्या सही है क्या गलत है, कौन सी साइट आपको विजिट करनी चाहिए कौन सी नहीं, कब ऑनलाइन आना है, कब फ़ोन यूज़ करना है, कितने टाइम के लिए आना है, ये सब आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आप कब कब फ़ोन यूज़ कर रहे हो और किस से बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी साइट आप गूगल पे जा रहे हो, तो वो सब इंफॉर्मेशन किसी ना किसी को पता होनी चाहिए आपके घर में. Do not share your password with anyone other than your parents. Your password is always personal. लेकिन because आप लोग बहुत छोटे हो, obviously age restriction 14 के above है, तो जब भी आप अपना वो बनाओगे account, you are new to it, तुम नए हो, तो किसी ना किसी को उसके बारे में पता होना चाहिए. तो वो किसी ना किसी कौन हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं. पासवर्ड पर्सनल चीज़ होती है, वो किसी को भी नहीं दी जाती. Check with your parents before downloading or installing any software that could possibly hurt your computer. So एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो पेरेंट्स से या किसी से भी पता कर लिया करो कि जो तुम डाउनलोड कर रहे हो या इंस्टॉल कर रहे हो कहीं ख़राब चीज़ तो नहीं है, क्योंकि होता है कि वायरस आ जाता है कंप्यूटर या फ़ोन में या कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो उसके वजह से थोड़ा यू शुड बी केयरफुल वाइल डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग एनी ऐप. ठीक है, ये इंटरनेट सेफ्टीज़ हैं, ये आप लोग के लिए अभी नहीं है क्योंकि आप लोग अभी छोटे हो. जस्ट बिकॉज आप लोग को नॉलेज हो जाए ये क्या है, इसलिए आपको इस क्लास में ये पढ़ाया जा रहा है. लेकिन अभी ये सब यूज़ करना इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल स्टेट ऑल्सो. सो डू नॉट डू दिस, डू नॉट यूज़ इंटरनेट राइट नाउ. जब आपका एज होगा अपने आप आपको अलाउंस मिल जाएगा. फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन. तो फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड वो इमीडिएट हेल्प होता है जो हम एक पर्सन को दे देते हैं जब वो इंजर होता है, हमारे सामने कोई बीमार या इंजर हो जाता है तो हम उसको एक फर्स्ट एड दे देते हैं, क्योंकि डॉक्टर नहीं मिलते या डॉक्टर अराइव नहीं होते और बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और बहुत कुछ हो रहा है, तो एक छोटा सा जस्ट एंटीसेप्टिक लोशन लगा दिया, बैंडेड लगा दिया, ये होता है फर्स्ट एड. नेवर ट्राई टू गिव फर्स्ट एड टू एनीबडी इफ़ यू हैव नॉट लर्न हाउ टू डू इट. कभी भी फर्स्ट एड नहीं देना चाहिए अगर आपको पता ही नहीं कि फर्स्ट एड दिया कैसे जाता है. इफ़ समवन गेट्स इंजर्ड और फॉल्स इल, कॉल एन एडल्ट इमीडिएटली. अगर कोई बीमार पड़ रहा है या कुछ भी होता है तो एक बड़े इंसान मतलब एडल्ट को बुलाओ, जिससे वो समझ पाएंगे कि क्या बेटर. सो आज के लिए इतना ही, क्लास यहीं पर ख़त्म होती है. थैंक यू क्लास.